हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय वर्ल्ड आरती फूड्स एंड फ्लेवर्स। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है एकदम स्वादिष्ट, चटपटा, मजेदार और बहुत ही हेल्दी टमाटर का रसम। फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी है। ठंड में इसका प्रयोग करिए, पाचक है बहुत ज्यादा और आपके पेट को एकदम दुरुस्त रखेगा और साथ में आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। और मजे की बात यह है कि बच्चे, बुजुर्ग सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा और बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। बिना गिल्ट के आप इसको खाइए। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं टमाटर का रसम। तो टमाटर का गर्मा गर्म रसम बनाने के लिए है मैंने 4 से 5 टमाटर। टमाटर में एकदम छोटे छोटे ही लूंगी क्योंकि छोटे टमाटर में बीज बहुत कम रहते हैं और बहुत ही छोटे रहते हैं। तो इसका जब हम पेस्ट बनाते हैं तो बिल्कुल भी हमारे मुंह में ये बीज नहीं आ पाते। तो मैंने अच्छे से इसको धो के छोटे कुकर में रख दिया है और इसमें अब मैं डालूंगी 1/2 कप पानी और इसको रख दूंगी मैं बॉईल करने के लिए। 1 सीटी होने तक इसको बॉईल करना है। अगर आपके पास ये छोटा कुकर नहीं है तो आप बड़े कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे पतीले में भी उबाल सकते हैं। ये देखिए, ये टमाटर एकदम पक गए हैं और इसको फिर मैं छिलका इसका निकाल लूंगी। आसानी से छिलका उतर जाता है क्योंकि ये टमाटर होते हैं बॉइल्ड। तो इस तरह से थोड़ा ठंडा करके सारे छिलके निकाल लूंगी। देखिए, इस तरह से सारे छिलके निकाल दिए हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें मुझे इसको ग्राइंड करना है। एक मुझे स्मूथ सा पेस्ट बनाना है तो थोड़े से काट कर या ऐसे ही, टमाटर थोड़े छोटे हैं ना, इसलिए छोटे छोटे टमाटर होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बनके एकदम तैयार हो गया है और थोड़ा पानी डाल के बाकी बचा हुआ जो ग्राइंडर में टमाटर प्यूरी है उसको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें बीजे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने छोटे छोटे टमाटर लिए थे। तो हमेशा जब भी आप टमाटर की प्यूरी बनाओ या फिर पल्प बनाओ तो आप हमेशा छोटे छोटे टमाटर यूज करिए। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प। लगभग 1 टीस्पून मैंने इमली का पल्प इसमें डाला है। ज़्यादा इमली का पल्प हमें नहीं डालना है लेकिन स्वाद को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने डाला है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कितना अच्छा कलर भी आ गया इससे। तो इस तरह से टमाटर का पेस्ट है बिल्कुल बनकर तैयार है और आप देखेंगे कि कलर भी कितना अच्छा आया है। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और अच्छे से इसको रोस्ट करना है लगभग 1 मिनट तक। बिना कुछ ऑयल डाले मैं इसको रोस्ट करूंगी। 1/2 टीस्पून खड़ी काली मिर्ची डालनी है। काली मिर्ची और जीरे को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। पहले हम जीरा रोस्ट करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हम काली मिर्ची को रोस्ट करेंगे ताकि जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए और हम एकदम क्रंची दरदरा पेस्ट तैयार करना है इससे। तो अगर हम काली मिर्ची को भी थोड़ा सेक लेते हैं तो हमारा जो क्रशर में बहुत अच्छे से ये क्रश हो जाता है और एकदम क्रंची सा पाउडर तैयार हो जाता है। तो अब हम एक क्रशर लेंगे और इस क्रशर में इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी सिर्फ एक बार चला सकते हैं और दरदरा सा पेस्ट तैयार कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ड्राई है इसलिए बहुत जल्दी से ये क्रंची पाउडर बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें क्योंकि इससे रसम का स्वाद बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, क्रश्ड पाउडर एकदम बनके तैयार है। अब हमें चाहिए गार्लिक पेस्ट। तो सबसे पहले मैंने 5-6 लहसुन की कलियां ली हैं। थोड़ा सा इसको क्रश करूंगी और उसके बाद इसमें डालना है करी लीव्स। 5 से 6 करी लीव्स डाली है मैंने, मतलब कड़ी पत्ता, और इन दोनों को हमें दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, क्रश किया मैंने
और एक दर दरा सा पेस्ट बन गया है। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून तेल लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 खड़ी लाल मिर्ची डाली है। और उसके बाद डालेंगे करी पत्ता और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही थोड़ा गोल्डन ब्राउन होता है इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने चॉइस के एक अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो अच्छे तरह से इसको हिला देंगे और अच्छे तरह से इसको पका देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 3 टीस्पून हमारा क्रश्ड क्यूमिन ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा सा हमें बचा के रख लेना है क्योंकि जब इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें हमारी टोमेटो प्यूरी, जो हमने टमाटर और इमली का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। और रसम थोड़ा पतला ही होता है तो हम इसमें अब लगभग 1 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे तरह से इसको मिलाएंगे। आपको जितना पतली कंसिस्टेंसी चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे ऊपर से 1 टीस्पून नमक। नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, जैगरी पाउडर 1/2 टीस्पून, बिल्कुल ऑप्शनल है ये, थोड़ा सा जो इमली और टमाटर की खटास है उसको ठीक करने के लिए हम डालते हैं। और लगता भी बहुत टेस्टी है गुड़ का फ्लेवर इसमें, तो इसको थोड़ा सा इंटेंस फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और साथ में जो हमारा बचा हुआ क्रश पाउडर है जीरा और ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्ची का वो डाल देंगे। तो ऊपर से जब हम इसको डालते हैं और फिर जब बॉईल करते हैं तो एक अलग सा इंटेंस सा एकदम फ्लेवर आता है जो बहुत ही पाचक है और बहुत ही पौष्टिक है। कटा हुआ बारीक हरा धनिया और इसको अब हम करेंगे अच्छे से बॉईल। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें कम से कम 2-3 मिनट तक इसको बॉईल करना है। तो आप देख रहे हैं कितना टेम्पटिंग हमारा रसम तैयार है। इसको आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, ऐसे ही पीजिए। बहुत ज़्यादा पौष्टिक है और ठंड में तो ये बहुत ही मस्त लगता है, गर्मा गर्म इसको पियो। तो होप आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे ठंड में। और ठंड में ही नहीं, किसी भी सीजन में आप इसको बना सकते हैं, पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है ये, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने वाला है। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।